हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू चेंज ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर फोटो, कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को हम कलर के अंदर किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट से कलर फोटो किस तरह से बना सकते हैं। लिखने वाले हैं सुरेश कुमार नायक, अकीब हुसैन कुमार एबी, भरत राणा, शीतल खुराना, मयूर, चंद्रकांत सिंह, रवि नामदेव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए और पूछने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर फोटो बनाने का। वैसे तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा, लेकिन अगर आप सिंपल मैं एक ही शब्द के अंदर बताऊँ तो ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर करना मतलब कलराइज करना होता है, एक तरह से फोटो को हम कलराइज कर। दोस्तों ये वीडियो आप एक बार पूरा का पूरा देखें, उसके बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर दोबारा जब प्रैक्टिस करें तो रेफरेंस के लिए साथ में दोबारा से देख सकते हैं। लेकिन एक बार कम से कम आप ये पूरा वीडियो देखें ताकि जो मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूँ उनमें से जो आपको सही लगे आपके लिए वो तरीका आप अपना सकते हैं फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर बनाने के लिए। तो एक बार आप पूरा वीडियो आराम से देखें। तो देखिए ये फोटोशॉप है हमारे पास में और ये एक फोटो है। कलराइज का मतलब जैसे कंट्रोल यू मैं दबाता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन है कलराइज का, क्लिक करके हम फोटो को इस तरह से कलराइज करते हैं। तो हू और सिचुएशन को इस तरह से हम यहाँ से चेंज करेंगे, तो यहाँ से जो कलराइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी मैंने कलराइज किया तो पूरी फोटो के ऊपर हो गया है, तो इसलिए क्या करना होगा, एक एक फोटो के पार्ट को सिलेक्ट करके करना होगा। तो एक ये तरीका होता है कि किसी भी पार्ट को हम पेन टूल से या लासो टूल से सिलेक्ट करें और उसके बाद में जैसे कि ये पार्ट मैंने यहाँ पर फेस का सिलेक्ट किया या फिर मान लीजिए यहाँ पर साड़ी का इस तरह से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, उस पार्ट को कंट्रोल यू से आप इस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये अभी मैं एकदम बता रहा हूँ इसलिए पूरी तरह से मैंने साड़ी को सिलेक्ट नहीं किया है। इसके अंदर एक एक पार्ट को जैसे साड़ी को, फेस को, स्किन को और यहाँ पर ऑर्नामेंट्स जो है ये और लिप्स को, इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, कलराइज करेंगे एक एक पार्ट को। दूसरा तरीका इसके अंदर यही है कि सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बनाएं और उसके बाद में आप कलराइज करें। साथ में आप कंट्रोल बी भी यूज में ले सकते हैं कलर बैलेंस करने के लिए। तो उसके वो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने यही साड़ी का वापस एग्जाम्पल देता हूँ, एक एक साड़ी को मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल जे से, मैंने डुप्लीकेट किया, फेदर जरूर देंगे मान लीजिए दो फेदर देने के बाद में कंट्रोल जे, फिर कंट्रोल यू से आप कलराइज भी कर सकते हैं इस तरह से, और मान लीजिए कंट्रोल बी से आप बाद में कलर बैलेंस भी कर सकते हैं, रेड ज़्यादा करना है, येलो कम ज़्यादा करना है इस तरह से, तो ये भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक एक लेयर होंगे अलग अलग। एक और तरीका होता है ब्रश टूल से। ब्रश टूल से कैसे, यहाँ पर मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे साड़ी का कलर बनाना है ग्रीन, तो यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ ऊपर जो मोड है ब्लेंड मोड, इनके अंदर से आप यहाँ पर कलर सिलेक्ट करें। नॉर्मली हम कलर सिलेक्ट करते हैं लेकिन आपको सहूलियत के हिसाब से कलर की बजाय आप ओवरले या मल्टीप्लाई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या दूसरे ऑप्शन भी जो ज़्यादा सूट कर रहे हैं। कलर सिलेक्ट करने के बाद में आप एक एक पार्ट के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर ब्रश टूल से कलर करेंगे। ये जस्ट एक तरीका हो गया, आप इस तरह से फोटो बना सकते हैं। एक और मैं तरीका अभी आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्लेंड मोड चेंज करेंगे लेयर का और अलग अलग लेयर बनाएंगे। डुप्लीकेट लेयर नहीं बनाएंगे हम, कलर लेयर बनाएंगे। और कलर लेयर बनाने के लिए हमारे पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेयर मेन्यू के अंदर यहाँ पर है सॉलिड कलर नाम से, न्यू फील लेयर के अंदर है सॉलिड कलर। तो ये बनाएंगे किस तरह से करेंगे, देखिए पहले हम ये देखेंगे कि फोटो के अंदर हम कौन कौन से कलर लगा सकते हैं। एक रफली हम ऐसे सोचेंगे तो मान लीजिए एक तो हमें स्किन कलर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी ले सकते हैं सॉलिड कलर, क्लिक करके सॉलिड कलर, ये सॉलिड कलर ले लिया और ये स्किन कलर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप स्किन कलर कौन सा लें तो आप नेट से या फिर दूसरी फोटो से रेफरेंस ले सकते हैं किसी कलर को। फोटो यहाँ पर लाने के बाद में आप कलर को पिक करें और फिर स्वाचेज के अंदर आप उस कलर को ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद में वो कलर यूज़ कर सकते हैं अगर स्किन कलर सिलेक्ट करने में आपकी दिक्कत आ रही है। तो ये मैंने यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लिया, ये सॉलिड कलर नाम से एक लेयर है। अब इसका ये सॉलिड कलर से फायदा ये है कि बाद में अगर फोटो को छोटा बड़ा करेंगे ये जो कलर्स के लेयर है वो फटेंगे नहीं अगर हम बड़ा या छोटा करेंगे तो।
और इसी के अंदर आगे जो मास्क बना है ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर और कंट्रोल आई से मैं मास्क को इन्वर्स कर देता हूँ, ताकि अभी यहाँ पर मास्क जो है ब्लैक कलर के अंदर है, जहाँ जहाँ पे व्हाइट कलर के अंदर मैं फिल करूँगा तो ये मास्क आएगा। तो एक तो मैंने ये ले लिया यहाँ पर स्किन कलर, दूसरा इसी को मैं कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बना रहा हूँ और यहाँ पर वापस सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्किन के बाद मुझे चाहिएगा रेड कलर लिप्स वगैरह के लिए और यहाँ पर तिलक के लिए, तो वापस हम ले लेते हैं रेड कलर, फिर कंट्रोल जे से एक बार फिर डुप्लीकेट। अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर गोल्डन कलर की, तो हम यहाँ पर गोल्डन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये गोल्डन कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में फिर कंट्रोल जे से करते हैं और इस बार हम यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, हम साड़ी का जो कलर है वो ग्रीन करेंगे। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पर और काम करते हैं, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनाते हैं और यहाँ पर एक और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर भी हम यूज़ में लेंगे बैकग्राउंड वगैरह के लिए, ब्लू कलर यूज़ में ले लेंगे। तो इतने सारे हमने कलर सेलेक्ट कर लिए हैं, इसके अलावा बाद में भी जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से हम यहाँ पर दूसरे कलर फील लेयर के और भी लेयर बना लेंगे। ये सब करने के बाद में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, अगर बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं फोटो का तो फोटो पहले ही कटिंग कर लें। तो ये जैसे फोटो है इसके अंदर अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो पहले ही कर लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर कटिंग कर लेता हूँ। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेन टूल जो है दिखाई नहीं दे रहा है, उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि कर्सर के अंदर ये स्टैंडर्ड अदर कर्सर के अंदर स्टैंडर्ड ये सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पेन टूल दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार कटिंग कर लेता हूँ बाहर की साइड से। ये हमने कटिंग कर लिया, थोड़ा सा फेदर दे देते हैं, दो इन्वर्स कर देते हैं शिफ्ट के साथ F7 से और हम इसको बना देते हैं लेयर को पहले डुप्लीकेट बनाते हैं, उसके बाद में मास्क बना देते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी लेयर को बारी बारी से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो मास्क है इसको सिलेक्ट करेंगे। मास्क को सिलेक्ट करने के बाद में ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी ब्लैक कलर है, यहाँ पर वाइट सिलेक्ट करेंगे और जहाँ कहीं भी हम इस तरह से फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आएगा, कलर दिखाई देगा जो सॉलिड कलर के अंदर हमने फिल किया था। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जो फोटो बता रहा हूँ तो सभी को एक तरह से ब्रश टूल की मदद से फटाफट से यहाँ पर कलर कर रहा हूँ। अगर आप इसको और ज़्यादा बारीकी से करेंगे, जितना ज़्यादा बारीकी से करेंगे जूम करके फिर उसके बाद में एक एक पार्ट को, तो बहुत ही ज़्यादा आपकी फ़ोटो अच्छी बनेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर कटिंग करके भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कटिंग करके कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये ब्रश टूल इस तरह से स्किन के ऊपर ना फेरें और यहाँ पर पेन टूल यूज़ करें, ये पेन टूल, इस तरह से पेन टूल यूज़ करके आप क्या करें, पेन टूल यूज करें और फिर उसके बाद में मास्क को सिलेक्ट करें और कंट्रोल आई से इन्वर्स करें, तो यहाँ पर क्या होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कलर आ जाएगा। तो आप सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं, जितना अच्छा बारीकी से आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी फोटो लगेगी। इन सभी लेयर्स को क्या करेंगे, एक इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और लास्ट वाले को, और इन सभी लेयर को जो सॉलिड कलर वाले हैं उन सभी को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कलर मैं कर देता हूँ ब्लेंड मोड के अंदर। एक बार कलर कर रहा हूँ, बाकी जैसी जरूरत पड़ेगी दूसरे हम चेंज कर लेंगे बाद में। तो ये हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करेंगे, मास्क को सिलेक्ट किया और ब्रश टूल की मदद से यहाँ पर स्किन के ऊपर जहाँ जहाँ पर हमें ये स्किन कलर दिखाना है वहाँ पर इस तरह से ब्रश से पेंट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करें, ब्लाउज का कलर चाहे तो अलग कर सकते हैं, ये जो ब्लू कलर है ये मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, या फिर ब्लू नहीं करेंगे हम पिंक कलर करेंगे, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट और नीचे वाले को मैं पिंक कर देता हूँ, पिंक कलर ट्राई करेंगे।
ये शायद ज्यादा अच्छा लगेगा उससे। या आप खुद कलर चेंज करके या फिर जो मैच कर रहे हैं उस हिसाब से सिलेक्ट करें। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखिए ये जो लेयर है सिर्फ इसी लेयर को देखना है तो कंट्रोल अल्ट के साथ में मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर अभी बना रहे हैं इस फोटो को। वैसे तो इस लेयर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में इमेज मेन्यू के एडजस्टमेंट में जाने के बाद में यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट मैप सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट मैप सिलेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये देखिए बिफोर आफ्टर बिफोर ये आफ्टर थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैक और ज़्यादा थोड़ा ब्लैक होगा और जहाँ पर लाइट है थोड़ी सी और ज़्यादा लाइट बढ़ेगी। तो ये फोटो के अंदर आप टोनल एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर प्योर ब्लैक करने के लिए आप चाहें तो इसी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बर्न टूल सिलेक्ट करते हुए और फिर थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और अदरवाइज आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। इसी तरह बालों के अंदर ये कलर हम जो ब्लू कलर है ये कलर कर देते हैं तो ब्लू कलर में बालों के अंदर यहाँ से कर रहा हूँ लेकिन इतना ज़्यादा हम नहीं करेंगे। इसकी ओपासिटी क्या करते हैं, यहाँ पर लेयर की ओपासिटी कम कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देता हूँ इस तरह से। और अब बैकग्राउंड जो हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट किया था बैकग्राउंड के अंदर देखिए, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल्स के साथ में। इस मास्क को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में इस मास्क को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर कलर फिल कर रहा हूँ ताकि दूसरी जगह पर नहीं आएगा और इस तरह से यहाँ पर ये कलर फिल हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा ये यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट करने के बाद में, इस लेयर को सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे फिल्टर के अंदर और फिल्टर गैलरी के अंदर और गैलरी से यहाँ पर फिल्टर गैलरी से आप इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेंट के जैसा लुक है इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो देखिए ये जो साड़ी वाला लेयर है ग्रीन कलर है ये अभी सिर्फ एक ही कलर के अंदर है। आप यहाँ पर चाहें तो मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि एक साथ दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं खूब सारे। तो कंट्रोल जे मैं दबा रहा हूँ, जैसे हमें फोटो अच्छी बनानी है तो उसके लिए हम कोई भी तरीका जो इसके ऊपर ज़्यादा सूट कर रहा हो वही यूज़ में लेंगे। तो इसको डुप्लीकेट बनाया और मैं क्या करूँगा यहाँ पर कलर अलग ले लेता हूँ थोड़ा सा पिंक की बजाय। ये देखिए येलो कलर, यहाँ पर आप ओवरले या सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी यहाँ पर हम 38 या कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, एक के अंदर हमने ओवरले सिलेक्ट किया दूसरे के अंदर कलर मोड सिलेक्ट किया है तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको येलो कलर को यहाँ से हाइड करूँगा तो ये देखिए थोड़ा सा प्योर ग्रीन आ रहा है। तो आप मिक्सअप कर सकते हैं एक के साथ दूसरा कलर। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, देखिए जो सभी लेयर हैं इनके ये जो मास्क है इनके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फेदर दे सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से डेंसिटी कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनकी थोड़ी थोड़ी डेंसिटी कम कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे थोड़ी थोड़ी, ताकि सभी की कम करेंगे तो सब कलर सब दूसरे कलर्स के साथ में दिखाई देंगे तो वो उनका पता नहीं चलेगा फिर एक एक कलर का, सब मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, देखिए अल्ट कंट्रोल शिफ्ट तीनों दबाने के बाद में ई दबाएंगे। ई दबाते क्या हुआ, लेयर वन बन गया यानी सभी लेयर्स की एक कॉपी बन गई यहाँ पर, एक इन सभी का मर्ज होने के बाद में एक डुप्लीकेट लेयर बन गया यहाँ पर लेयर वन के नाम से। और आप चाहें तो डिफरेंस बिफोर आफ्टर भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल और अल्ट दबाने के बाद में जो बैकग्राउंड लेयर था उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, बाकी सब यहाँ से हाइड हो रहे हैं, सिर्फ यही दिखाई देगा बिफोर ये आफ्टर बिफोर ये आफ्टर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जैसे कि सभी को हमने मोड के अंदर कलर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लेयर को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ और जैसे कि रेड है तो रेड को सिलेक्ट करने के बाद कलर की बजाय यहाँ पर अगर आप ओवरले करेंगे तो कलर और ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर ओवरले अगर आप करेंगे तो। इसके अलावा जो स्किन के लिए हमने कलर सिलेक्ट किया ये स्किन
का कलर जो है इसको आप सॉफ्ट लाइट या ओवरले आप करेंगे तो फिर थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ये अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको क्या करते हैं डुप्लीकेट बना लेते हैं। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनाया और एक के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ और फिर जो कलर किया है उसकी ओपासिटी कम कर देते हैं, जो आपको ज़्यादा सही लगे और फोटो के ऊपर ज़्यादा सही तरीके से अच्छा लग रहा हो वो आप सिलेक्ट करें। तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ और वापस एक कॉपी बना लेते हैं। कैसे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ में ई दबाएंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में एक और कंट्रोल जैसे इसका डुप्लीकेट हम बना लेते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर के अंदर जाएंगे और सरफेस ब्लर के अंदर जाएंगे, स्किन को थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे। और ये एक और जो लेयर है कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बनाने के बाद में इसको हम बनाएंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और अब हम जाएंगे अदर के अंदर और हाई पास, और हाई पास वाले लेयर को कर देंगे यहाँ से ओवरले। ये हमने बेसिक फोटोशॉप के अंदर देखा ही था। अब सरफेस ब्लर अगर ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। इसके अलावा आप दूसरे प्लगइन अगर आपके पास है इंस्टॉल्ड तो आप उनको भी यूज़ में ले सकते हैं फोटो की रीटचिंग के लिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर और भी ज़्यादा डिटेल से दिखा सकते हैं। साड़ी के अंदर जो बॉर्डर वगैरह है छोटे छोटे, इसके अंदर कोई डिज़ाइन है उनके अंदर और दूसरा कलर देना चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। जितना आप इसको बारीकी से करेंगे उतना ही ज़्यादा फिर ये अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उनका अपडेट तुरंत आपको मिलेगा। इसके अलावा ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। तो ये जो कलर्स के लिए रहे वो फटेंगे नहीं, अलग अलग तरीके से आप फोटो बनाएं। ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर के अंदर कलर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। लाइक करना ना भूलें। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है, कर दे बंद।